चाशनी यानी कि शुगर सिरप को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में कंबाइन करेंगे 1 कप चीनी और आधा कप पानी। इस समय मैं 1 कप चीनी की चाशनी बना रही हूँ, लेकिन अगर आप 2 कप की बना रहे हैं तो उसके सामने आप 1 कप पानी लें। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ही आपको फ्लेम को जो है वो ऑन करना है। उससे पहले आपको फ्लेम को ऑन नहीं करना है। इस समय आपको फ्लेम को रखना है मीडियम पर। इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहना है जब तक एक उबाल नहीं आ जाता। जैसे ही आप नोटिस करें कि इसमें एक उबाल आ गया है, उसके बाद आपको जो है वो फ्लेम को एकदम लो कर देना है। करीबन 3 मिनट के लिए आप उसे लो फ्लेम पर इस तरीके से चलाते रहें और कुक करते रहें। चाशनी का जो कुकिंग टाइम है यानी कि उसकी जो तार यानी कि स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी का अचीविंग का टाइम है वो वेरी करेगा बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे कि बर्तन का साइज जिसमें आप चाशनी को बना रहे हैं, क्वांटिटी, जैसे कि इस समय मैंने 1 कप चीनी से बनाया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, फ्लेम जिस पे आप उसे कुक कर रहे हैं यानी कि मेरा जो लो फ्लेम है और आपके गैस का जो लो फ्लेम है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, इंडक्शन और गैस स्टोव में भी फ़र्क पड़ता है। और एक है कि शुगर के दाने यानी कि चीनी के दाने अगर बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो भी चाशनी को बनने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा। 3 मिनट के बाद यानी कि 3 से 4 मिनट के बाद जैसे ही आप नोटिस करें कि चाशनी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तो आप फ्लेम को जो है वो बंद कर दें। ये जो है वो एकदम बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि फ्लेम आप एकदम बंद कर दें। इस तरीके से एक ड्रॉप आप एक प्लेट पे निकालें, उसे एकदम ठंडा होने दें और फिर उसे अंगूठे और उंगली के बीच में लेके आप थोड़ा सा उसे जो है वो खींचने की कोशिश करें। एक तार की जो चाशनी होगी वो ज़्यादा लंबे तक नहीं खींचेगी, उसमें उतनी इलास्टिसिटी नहीं होगी। आप उसको खींचने जाएंगे तो वो तार जो है वो टूट जाएगा। अब हम जो है वो 1.5 तार की चाशनी मैं आपको बनाना बताऊंगी। सो 4 मिनट के बाद उसको और 1 मिनट के लिए कुक करने के बाद हमें जो है वो 1.5 तार की चाशनी मिलेगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इस टाइमिंग को जो है वो एग्जैक्टली फॉलो ना करें, क्योंकि टाइमिंग जो है वो चाशनी बनने का वेरी करेगा बहुत सारी चीज़ों पे जो मैंने पहले बताई हुई है। ये टाइम मैं इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया आ जाए। और अगर आप एक बिगिनर हैं, पहली बार शुरू शुरू में चाशनी बना रहे हैं, सो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा चाशनी के अलग अलग स्टेजेस का। सो आप देख सकते हैं कि 4 से 5 मिनट के बाद पकाने के बाद इस तरीके से उसके तार बन रहे हैं। थोड़ा सा ही मार्जिनल डिफरेंस होगा उसके टेक्सचर में और उसकी कंसिस्टेंसी में, और चाशनी में जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चिकनाहट आ जाएगी। अब जो स्टेज मैं आपको दिखा रही हूँ वो है 2 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी की चाशनी। इसे मैं पका रही हूँ 6 मिनट के लिए, यानी कि 5 मिनट के लिए मैंने ऑलरेडी पकाई हुई थी और अगेन मैंने उसको 1 मिनट के लिए और पकाया हुआ है। और हर एक स्टेज पर मैं जो है वो फ्लेम को बंद कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कि जो 2 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा फर्म यानी कि उसकी जो तार है वो ज़्यादा लंबी बन रही है और चाशनी में इलास्टिसिटी भी जो है वो बढ़ी है। अब अगेन मैंने फ्लेम को ऑन किया है और अब मैं टोटल 7 मिनट्स के लिए पकाने के बाद जो चाशनी का स्टेज है वो मैं आपको दिखाऊंगी, यानी कि 6th मिनट से लेकर 7th मिनट तक। सो आप देख सकते हैं कि अगेन 1 मिनट के लिए पकाने के बाद मैंने फ्लेम को जो है वो बंद कर दिया है। अगेन इस ड्रॉप को हम ठंडा कर लेंगे और आप ये देख सकते हैं कि ये एकदम से जो तार है वो खींच रही है, एकदम फॉर्म तार बन रही है, बिल्कुल भी बीच में टूट नहीं रही है। और आप अगर उसको टच भी करेंगे सो आपको टेक्सचर में भी वो एकदम स्टिकी फील होगी। इस तरीके की जो चाशनी है 1.5 से 2 तार की वो यूजुअली यूज होती है उन स्वीट्स में जिसके आपको पीसेस करने हैं, जैसे कि मोहनथाल। अब ये जो स्टेज है वो 3 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी यानी कि वो चाशनी जिसको आप स्वीट्स या कोई स्नैक्स में कोटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि शक्करपारे।
सो इस तरीके से ये आप चाशनी का टेक्सचर देख सकते हैं, ये एकदम थिक जो तार है वो बन रहा है। मेरे हाथों पर भी उसके जो ड्रॉप्स हैं वो आप देख पा रहे हैं, एकदम गाढ़े हैं। सो ये 3 स्ट्रिंग की कंसिस्टेंसी बनकर रेडी है। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबा तार खींच रहा है। और उसके बाद जो ये स्टेज है फर्दर, वो एकदम गाढ़ी चाशनी बन जाएगी। अगर किसी भी स्टेज पर आपकी चाशनी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, सो उसको जो है वो आप थोड़ा सा उसमें और पानी डालें और उसे करीबन 1 मिनट के लिए कुक कर लें। सो उसका जो कंसिस्टेंसी है वो अगेन पहले जैसा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हो गई है इस स्टेज पर, और आप मेरे हाथों में ही, मैं अगर उसको स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो एकदम से ही ड्राई हो जा रहा है, एकदम से सूख रहा है।